एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। और मेरा नाम है रूपा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, मेरा नाम रूपा है। आई पोस्ट फैशन, डीआईवाई, स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस ऑन माय चैनल एवरी वीक। सो इफ यू लाइक माय चैनल देन टू सब्सक्राइब। सो गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और डीआईवाई हेयर ऑयल का रेसिपी। और ये एक पॉपुलर हेयर ऑयल को हम घर पे बनाएंगे और इसका नाम है इंदुलेखा भृंगा हेयर ऑयल। अब इंदुलेखा भृंगा हेयर ऑयल काफ़ी पॉपुलर हेयर ऑयल है और मेरे चैनल पे ना बहुत सारे लोग मुझसे आके ये कहते हैं कि इंदुलेखा भृंगा हेयर ऑयल को लगाने के बाद का रिजल्ट आप शेयर करो। तो वो मैं आगे शेयर करूँगी किसी वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनएक्सपेंसिव वे में। कॉस्टली जो इंदुलेखा हेयर ऑयल है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो उसको आप कैसे घर पर बना सकते हो। काफ़ी ईजी प्रोसेस है और हर कोई इसको घर पे बना सकता है। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इंदुलेखा भृंगा ऑयल का मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ भृंगराज। और इसके साथ इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, लेकिन कंपनीज़ वेबसाइट्स में जो इंग्रेडिएंट लिस्ट करती है मेन इंग्रेडिएंट, उनके ऊपर बेस करके आज हम इस ऑयल को बनाएंगे। तो इन केस आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और आप भृंगराज को ट्राई करना चाहते हो, देन इस हेयर ऑयल को घर पर बना के आप ट्राई भी कर सकते हो। और हाँ, ट्राई करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है उसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेन इंग्रेडिएंट, विच इज़ भृंगराज। तो मेरे घर के अगल बगल में बहुत सारे भृंगराज के प्लांट्स हैं, तो मैंने वहाँ से कलेक्ट कर लिया है। अगर आपको ये लगता है कि आप कलेक्ट नहीं कर सकते, तो मार्केट में भृंगराज का पत्ता मिलता है। तो जहाँ पे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो सब्ज़ी वाले के पास, उनको जाके आप बोलेंगे ना तो वो आपको ला के देंगे, या फिर कहीं कहीं मार्केट में तो बिकता भी है। तो भृंगराज को आपको लेना है। मैंने यहाँ पे रूट्स के साथ लिया है क्योंकि भृंगराज के पत्ते के साथ साथ उसके जो जड़ है वो भी बहुत अच्छा काम करता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो इसको मैं रूट्स के साथ ले रही हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको मैं पीस लूँगी पट्टे पे अच्छे से, और इसका रस एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकालना है क्योंकि रस से ही हमारा तेल अच्छे से बनेगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से महीन करके हम पीस लेंगे और इसके बाद एक सेपरेट बाउल में इसको हम रख देंगे। इसके साथ हमें लेना है दूसरा और एक इंग्रेडिएंट, विच इज़ आंवला। अब सीज़न वाइज तो आंवला मिलता है, अभी का जो सीज़न है इस टाइम पे कच्चे आंवले आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में। अगर मिलता है तो उसको कलेक्ट करके लाइए और छोटे छोटे पीसेस में उसको काट दीजिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ड्राई आंवला पाउडर, और ये मैंने पतंजलि का लिया है। तो अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा है तो आप ड्राई आंवला भी ले सकते हो, इसका पाउडर भी ले सकते हो। तो इसको मैंने लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच लिया है, एक छोटे से बाउल में इसको रखा है। और इसके साथ हमें चाहिए और एक इन्ग्रीडियंट, दैट इज़ एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। और इसके साथ फाइनली और एक इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ, लेकिन 90% लोगों को ये वाला इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, और ये है श्वेत इंद्रोजा बोल के एक प्लांट आता है। सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आपको कि कैसे दिखते हैं इसके फूल। तो इसका प्लांट अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप इसके पत्ते कलेक्ट कर लो। मेरे घर पे है तो मैंने इसका पत्ता कलेक्ट कर लिया है। अगर आपके घर में है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके घर में नहीं है तो इस इंग्रेडिएंट को आप स्किप करके इसके बदले करी पत्ता भी ले सकते हो या फिर गुड़हल के पत्ते भी ले सकते हो। इन सारे चीज़ों को हमें लेना है। और सबसे पहले मैंने भृंगराज का पेस्ट बना लिया है, उसके बाद मैं श्वेत इंद्रोजा का भी पेस्ट बना लूँगी, और इन सारे चीज़ों को मैं एक साथ इकट्ठा करके मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे मैंने बेस ऑयल के लिए इस्तेमाल किया है बादाम तेल। तो अगर आप बादाम तेल इस्तेमाल करते हो तो बादाम तेल ले सकते हो, नहीं तो इसके बदले आप मस्टर्ड सरसों का तेल ले सकते हो, नारियल तेल ले सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो जो आपके पास है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 250 ग्राम बादाम तेल लिया है। अभी इस तेल के साथ जो सारे इंग्रेडिएंट है इसको हम मिला देंगे एक सॉस पैन में, और सॉस पैन को हम गैस पे चढ़ा देंगे एकदम लोएस्ट फ्लेम में। इसको रख के अच्छे से ऐसे चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे बैठ ना जाए और जल ना जाए, एकदम लो फ्लेम में आपको इसको करना है। तो ऐसा आपको 5 से 7 मिनट करना है, और इसके बाद हमारा जो ऑयल है ये अच्छे से बन जाएगा। तब आप देखेंगे कि ऑयल के साथ जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए उनका जो रस है ना वो बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ऑयल अपना कलर चेंज कर देगा। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, एंड देन इसके बाद इसको एक कंटेनर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेरे पास ये वाला कांच की शीशी है, इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। जब भी आप घर पे कोई होममेड हर्बल हेयर ऑयल बनाते हो तो उसको कांच के बॉटल में रखने की कोशिश करना, इससे उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आती है और वो बहुत दिनों तक अच्छा भी रहता है। एयर टाइट कंटेनर पर रखेंगे आप।
तो इसको मैंने ऐसे करके रख दिया है एंड फिलहाल मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 2 बार इस्तेमाल किया है इसको गाइज, एंड दिस इज़ रियली नाइस, इफेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं आप इसको ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा स्टिकी बनेगा क्योंकि इस पर हमने एलोवेरा और भृंगराज डाला है। भृंगराज और एलोवेरा थोड़े से चिपचिपे होते हैं, उसका जो रस होता है। तो फिर ये बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।